नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। सभी भारतीयों को कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुमार विश्वास की कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। ऐसे ही एक फौजी की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गाँव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुँचा। लेखक एक स्कूल शिक्षक थे और उनका अनुरोध कुछ इस प्रकार था। उन्होंने पूछा, यदि संभव हो तो क्या मुझे और मेरी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है जहां कारगिल युद्ध में हमारे पुत्र की मृत्यु हुई थी। उनकी स्मृति दिवस 7 जुलाई 2020। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, और यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है तो मैं अपना आवेदन वापस ले लूँगा। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दौरे की कीमत क्या होगी, मैं इसे अपने वेतन से भुगतान करूंगा। अगर विभाग तैयार नहीं है तो मैं शिक्षक और उनकी पत्नी को उस स्थान पर लाऊंगा जहां उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। और उसने एक आदेश जारी किया, मृतक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपत्ति को सम्मान के साथ रिस पर लाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सलामी दी। एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया, झुककर उनके पैर छुए और उनकी आंखें पहुंची। शिक्षक ने कहा, आप एक अधिकारी हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? ठीक है सर, सिपाही ने कहा, मैं यहाँ अकेला व्यक्ति हूँ जो आपके बेटे के साथ था और आपके बेटे की वीरता को मैदान पर देखा था। पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे। हम में से 5 लोग 30 फीट की दूरी तक आगे बढ़े और एक चट्टान के पीछे छिप गए। मैंने कहा, सर मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूँ, मैं उनकी गोलियों का सामना करने जा रहा हूँ और उनके बंकर में जाकर ग्रेनेड फेंकूंगा, उसके बाद आप सब उनके बंकर पर कब्जा कर सकते हैं। मैं उनके बंकर की ओर आगे भागने ही वाला था लेकिन आपके बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो, तुम्हारी एक पत्नी और बच्चे हैं, मैं अभी अविवाहित हूँ, मैं जाता हूँ, डू द डेथ चार्ज एंड यू डू द कवरिंग। और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज में भाग गए। पाकिस्तानी HMG की ओर से बारिश की तरह गोलियां बरसी। आपके बेटे ने उन्हें चकमा दिया, पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचा, ग्रेनेड से पिन निकाला और ठीक बंकर में फेंक दिया, जिससे 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका हमला समाप्त हो गया और क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया। मैंने आपके बेटे का शव उठा लिया, उसे 42 गोलियां लगी थी। मैंने उसका सिर अपने हाथों में उठा लिया और अपनी आखिरी सांस में उसने कहा, जय हिंद। मैंने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि वह उसके ताबूत को आपके गांव ले जाने की अनुमति दे, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि मुझे इन फूलों को उसके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे उन्हें आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिला है। पत्नी अपने पल्लू के कोने में धीरे से सिसक रही थी। तब उस शिक्षक ने कहा, मैंने अपने बेटे को देने के लिए एक शर्ट खरीदी थी कि जब वह छुट्टी पर आएगा तब उसे दूंगा, लेकिन वह कभी घर नहीं आया और वह कभी घर नहीं आएगा, सो मैं उसे वहीं रखने को ले आया जहां वह मरा। आप इसे क्यों नहीं ले लेते और उसके लिए पहन लेते? यह कहानी कारगिल के उस नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की है। शिक्षक उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा है और माता कमलकांता है। इस तरह की और नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ अपने शहर से लेकर देश दुनिया की अपडेटेड खबरों के लिए सुनते रहिए पत्रिका पॉडकास्ट। धन्यवाद।